नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीवीटी कॉन्सेप्ट। तो अभी हम हैं जेएनयू में। आप सभी लोग देख के समझ गए होंगे बैकग्राउंड को कि अभी हम हैं जेएनयू में। हमारे साथ विश्वनाथ है और इसका इसी वर्ष एडमिशन हुआ है जेएनयू में। कौन सा विषय में एडमिशन हुआ है? हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य एम ए फर्स्ट ईयर। कहाँ से हो? मैं मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से हूँ। तो ये जो विश्वनाथ है, इसकी सफलता की क्या कहानी रही है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए रामबाण होगा, जितने भी स्टूडेंट जिनका भी सपना है जेएनयू से एमए हिंदी करने की। तो अगर आप एमए हिंदी की करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे तैयारी कैसे करनी है। इसके अलावा ये एडमिशन ले लिया है तो यहाँ क्लासेस वगैरह कैसा चल रहा है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल में जाके प्रेस कर लीजिएगा, हर एक अपडेट आपको यहाँ से मिलेगी। तो आप अपना परिचय बताओ, कहाँ से हो? मैं सबसे पहले अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम विश्वनाथ कुमार है और मैं मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से हूँ। और मेरा ग्रेजुएशन जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से हुआ है। और मैं एमए मेरा हिंदी साहित्य से जेएनयू से कर रहा हूँ। सीयूटी कॉन्सेप्ट में ज्वाइन भी था? हाँ, मैंने जो है सीयूटी कॉन्सेप्ट से क्लासेस भी करी हैं, जो कि काफ़ी मददगार रही थी हमारी जो परीक्षा के दौरान। कितने सवाल आते हैं तुम्हारे एग्जाम? 75 सवाल आते हैं। हाँ। जिसमें कि सभी को पता है कि 75 सवाल आते हैं, उसमें से हर एक सवाल के लिए 4 अंक निर्धारित होते हैं, जो कि 300 नंबर का पूरा पेपर रहता है, उस पर कट ऑफ डिसाइड होता है। हाँ, उसी पे कट ऑफ डिसाइड होता है। तो जेएनयू में अगर आपको एडमिशन लेना है, यूजी में भी होता है लैंग्वेज में, इसके अलावा पीजी में भी, तो आपको सीयूटी का एग्ज़ाम देना होगा, यानी कि सीयूटी को फोड़ना पड़ेगा। सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म जनवरी के लास्ट में आ जाती है, कभी कभी फरवरी में भी आती है, लेकिन पिछले वर्ष इलेक्शन के कारण पहले आ गया था। उसके बाद आपको सीयूटी का फॉर्म भरना है, तैयारी करना है। 75 क्वेश्चन आते हैं। जेएनयू का एमए हिंदी का सिलेबस क्या है? एमए हिंदी के सिलेबस में अलग अलग है, सेमेस्टर वाइज अलग अलग जो है रहता है। शुरुआत में इंटेंस के लिए शायद 7 यूनिट दिया गया है एनटीए के द्वारा, जो कि जो है मतलब सभी के लिए रहता है। वो तो सीयूटी का जो सभी का वो करते हैं, जिसमें कि काव्य शास्त्र है, हिंदी साहित्य का इतिहास है जो कि आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक का, और ग्रामर भी रहता है इसमें, प्लस जो है जी जी बिल्कुल। और इसमें जो है विज्ञापनों से संबंधित भी क्वेश्चन जो है आने लगे हैं, कुछ एक जो है करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन हमारे समय पर ये रहा था काफ़ी जो है ईजी टू मॉडरेट ही रहा था पेपर, तो उसमें कुछ एक ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, लेकिन काफ़ी जो है अच्छा रहता है पेपर इसका। मान लो कोई एक स्टूडेंट है, उसको जेएनयू के लिए तैयारी करना है, सीयूटी पीजी हिंदी के लिए, तो कौन कौन बुक पढ़ेगा, वो पढ़ना चाहिए? जैसे मैं अपना बताऊँ जो मैंने पढ़ी थी, तुम अपना तो मैं अपने अभ्यास जो अनुभव के आधार पर बताता हूँ कि मैंने रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास, और इससे पहले मैंने एक छोटी सी पतली सी किताब आती है विश्वनाथ त्रिपाठी की, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, वो पढ़ लेंगे तो आसानी होगा। जी बिल्कुल, जी 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 बिल्कुल, जो है उससे कहीं ना कहीं हमारे हिंदी साहित्य के बारे में जो है संपूर्ण विस्तृत समझ बन जाएगी। और एक जो है, और इससे पहले जो है शुरुआत हमें हिंदी साहित्य के सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब से करनी चाहिए। और इसमें जो है अपने को एक अन्य लोगों से ज़्यादा बेहतर करने के लिए दृष्टि की बुक आती है, और उसकी नेट जेआरएफ की, और उसमें जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उसको मैंने जो है उसकी भी जो है मदद ली थी। क्लासेस किया यहाँ से, तो क्लासेस से क्या फ़ायदा मिला आपको? मैं सच बताऊँ, जब मैंने देखा था क्लासेस वगैरह इसके बारे में, जब सीयूटी के बारे में थोड़ा सा जानने की जो है जानकारी एकत्रित की, मेरे भैया ने बताया था कि जो है आप एंट्रेंस का एग्ज़ाम दीजिए, तब मैंने जो है यूट्यूब पे खोजा, तो बहुत से लोगों की वीडियोज़ मिली, लेकिन जब विक्की सर की वीडियो आई थी, तो मैंने विक्की सर की वीडियो देखी, तो उसमें मुझे काफ़ी मददगार और जो है अच्छा लगा पढ़ाने का तरीका उनका। फिर जो है मैंने अन्य भी लोगों से, एक दो कोचिंग्स के जो अन्य थे उनसे भी संपर्क किया, लेकिन उनका थोड़ा शुल्क भी ज़्यादा था, फीस भी ज़्यादा था उनका, और यहाँ का थोड़ा ये है कि फीस भी कम है और पढ़ाने का भी कंटेंट अच्छा लगा मुझे, तो मैंने ज्वाइन करा और अच्छा रहा अनुभव मेरा, और जो है कहीं ना कहीं आप देख ही सकते हैं परिणाम तो मेरा। जी, जो विक्की सर पढ़ाए थे उससे सवाल आपके एग्ज़ाम में टकराए हैं? हाँ काफ़ी, क्योंकि जो है
पढ़ाना तो स्वाभाविक है, सभी जो है कोर्स पढ़ाते हैं तो उसी में से ही आने जी बिल्कुल। और जो उन्होंने पढ़ाए थे वो सारा का सारा कहीं ना कहीं उन्हीं के जो अराउंड आया था, कुछ एक सवाल थे जो आप अन्य जो बुकों का सहायता लेंगे जो तो उनसे हो जाता है किताबों की सहायता से क्लास, और ज्यादातर जो सवाल आए थे पढ़ाते हुए क्लास के बाद क्लास नोट यहाँ से प्रोवाइड होते हैं। लेकिन तुम अपने से बनाया था क्या? जी बिल्कुल, जो है क्लास के दौरान मैं हमेशा ये रखता हूँ कि जो क्लासेस करता हूँ तो उसमें कहीं ना कहीं मैं नोट्स बनाता रहता हूँ, शॉर्ट नोट्स, जिससे कि कहीं ना कहीं रिवीजन के टाइम पे घर पे या मेरे घर पे रखी है अभी वो, ये घर पे है अभी, हम जेएनयू में नहीं तो कहते हैं दिखाओ है ना, तो आप लोग जरूर बनाइएगा। जी बिल्कुल, तो थोड़ा रहा था कि उसमें थोड़ा शॉर्ट नोट्स बनाए थे जो रिवीजन के टाइम पे जो जो पेपर से एक दो दिन पहले का रहता है तो उसमें रिवीजन में काफी जो है सहायता जिनसे हेल्पफुल रहती है वाली नोट्स तो बनाए थे मैंने। तुम्हें पता है देश के टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, कैसा फील हो रहा है? यहाँ पे सर बहुत अच्छा लग रहा है, इससे पहले भी जो है सबने भी इसी के सजाए थे कि जो है जेएनयू लेना फर्स्ट में, और तो जो है इसके लिए जब यहाँ पे आए ना तो शुरुआत में थोड़ा सा जब पहली बार मैं घर से निकला था तो थोड़ा सा यहाँ पे अजीब लगा था, लेकिन यहाँ के माहौल के बारे में देखा इतना कोऑपरेटिव लोग हैं, इतनी सहायता करते हैं लोग, और यहाँ के प्रोफेसर वगैरह भी हैं काफ़ी मतलब मददगार है, और चीज़ों को ना इतना आसान कर देती हैं कि अकेलापन तो कोई महसूस ही नहीं होगा। तो इस तरीके से यहाँ की जो पढ़ाई जो है शिक्षा वगैरह अच्छा ही है सारा का सारा स्ट्रक्चर। कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके सामने पहली बार सीयूटी कॉन्सेप्ट का वीडियो गया और उसके बाद उसका विश्वास कैसे बनेगा कि वो कोर्स यहाँ का ज्वाइन करे, क्योंकि तुमको ज्वाइन भी की हो करेंगे भी की हो, बताओ कुछ सीयूटी कॉन्सेप्ट के बारे में। तो सीयूटी कॉन्सेप्ट के बारे में तो सबसे पहला तो उदाहरण यही है कि यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, वही आपके लिए एक कहीं ना कहीं एक प्रूफ है, तो वही आप देख सकते हैं। लेकिन ये है कि जब आप जो अन्य चीज़ों को देखेंगे तो जिसमें कि जैसे विक्की सर की जो क्लासेस है, ज़्यादातर मैंने ना हिंदी साहित्य से करा, तो आपकी जो है विक्की सर की क्लासेस ही देखी थी हमारी, तो क्लास नामकरण, हाँ हाँ बिल्कुल, विभाजन, जी जी बिल्कुल, काल से आधुनिक काल तो तक वाला, हाँ हाँ ये रहा था। तो उसमें ना जब मैंने देखा तो उसमें ये जब उसमें आप ये इस तरीके से देख सकते हैं कि एक इनके जो टेस्ट सीरीज है, मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, तो टेस्ट सीरीज भी देख लीजिए और प्लस वहाँ के क्वेश्चन भी देख लीजिए, तो आपको जो है खुद ही पता चल जाएगा कि कितना ही अच्छा है, और काफ़ी मुझे वहाँ के क्वेश्चन जो है यहाँ से जो है काफ़ी मुझे मिले थे परीक्षा में। जितने भी जूनियर हैं जिनका भी सपना है जेएनयू में पढ़ने का, तो उसके लिए जब भी आवश्यकता पड़ेगी आपकी तो आप तैयार हो ना उसको गाइड करने के लिए। जी बिल्कुल, क्योंकि ना मुझे भी यहाँ पे लोग कमेंट में लिखिएगा आप अपना सवाल को, हाँ जी बिल्कुल, तो कोई भी जो है आपको जो है मदद चाहिए तो बता सकते हैं मैं जब। तो ये विश्वनाथ था जो कि एमपी से है और इनका सिलेक्शन आज जेएनयू में हुआ है, और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमसे भी पढ़ा है। सर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपका कि जो है थोड़ा सा आपकी जो है कोचिंग से मुझे ज़्यादा ही मतलब हेल्प मिली तो यहाँ पे जो आज पहुँच पाए, वरना तो यहाँ आने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। नहीं मेहनत तो सर मैंने करी है, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस भी तो जरूरी रहती है ना, और इसी वजह से जो मैंने कोचिंग वगैरह ज्वाइन भी करी थी, तो काफी जो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं तो जेएनयू में नहीं पढ़ा लेकिन हमारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि अगला नंबर आपका भी होगा, लेकिन आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ से आप पढ़ेंगे तो आपका एडमिशन ही हो जाएगा। इन्होंने मेहनत किया है वाकई में, फिर इनका सपना साकार हुआ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू सर, मिलते हैं अगले वीडियो में।